नमस्कार सभी को। स्टैंडर्ड 6 की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर लेके आज हम आपके सामने आए हैं। इस चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ अर्थ, और मोशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो अर्थ के मेनली दो तरह के मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन होता है अर्थ का अपना जो मूवमेंट होता है एक्सिस पे, और रेवोल्यूशन जो होता है वो अर्थ का मोशन होता है अराउंड द सन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, डेज एंड नाइट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन के कारण ही डेज और नाइट्स होते हैं। एक जब अर्थ जो अर्थ है जब सन के तरफ मुड़ता है, तो उस समय अर्थ के उस पार्ट में डे होता है और उसके ऑपोजिट पार्ट में नाइट होता है, और इसी तरह से जब दूसरा पार्ट अर्थ का सन के तरफ मुड़ता है तो उस तरफ डे होता है और उसके ऑपोजिट साइड में नाइट। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। रेवोल्यूशन कॉजेस चेंजेस ऑफ सीजन्स। तो रेवोल्यूशन जो है वो सीजन्स के चेंज का रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे अर्थ का पोजिशन बदलता है सन के अराउंड, वैसे वैसे सीजन्स चेंज होते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन हैज एन एंगल ऑफ 66.5 degrees साउथ विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो जैसा कि हमने ग्लोब में आपको दिखाया था, उसी तरह से अर्थ भी एक इमेजिनरी एक्सिस पे टिल्टेड है, जिसका जो टिल्ट है, जो एंगल टिल्टेड है, वो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 degree पे टिल्टेड है। और सर्कल जो है अर्थ का, सर्कल जिसके जैसे कि अगर ये अर्थ है और अर्थ का जो इस ये जो थंब वाले पोर्शन, ये अगर मान लीजिए ये सन की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये थंब वाले पोर्शन के साइड में डे होगा और इस साइड यानी कि थंब के ऑपोजिट फिस्ट जिस साइड इस तरफ में नाइट होगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो बीच में जो पार्ट है, ये जो डिवाइड कर रहा है डे और नाइट को, ये पार्ट को हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। द सर्कल डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। अब रेवोल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन अर्थ का मूवमेंट होता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, और रेवोल्यूशन जो होता है वो अर्थ का मूवमेंट होता है अराउंड द सन। इट टेक्स 365 days and 6 hours टू रिवॉल्व अराउंड द सन। 365 डेज को एक साल हम लोग 1 year लेते हैं, और 4 साल के 6 hours को जोड़ के एक और दिन जोड़ देते हैं, जो कि चौथे साल में एक एक्स्ट्रा डे बन के आता है। हर चौथे साल को हम लोग लीप ईयर जैसा देखते हैं। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। 6 hours सेव्ड एवरी ईयर आर लाइकली टू मेक 1 day यानी कि 24 hours ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years। This surplus day is added to a month of February and every 4th year of Feb is of 29 days. This year with 366 days is called a leap year. तो ये leap year की बात हुई कि हर चौथे साल में एक extra day जुड़ जाता है ये 6 घंटों को मिला के, और उस साल को हम लोग leap year बोलते हैं। On the 22nd December, the Tropic of Capricorn gets direct rays of the sun as the South Pole tilts toward it. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होता है, और उस ऑर्बिट में जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, वैसे वैसे सीजन्स का चेंज होता है। अब 22nd December में ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ ऊपर होता है आपका कैंसर और नीचे होता है केप्रिकॉर्न, बीच में होता है इक्वेटर, ऊपर आर्कटिक सर्कल और नीचे एंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ सन पड़ते हैं, यानी कि
जैसे कि हम लोगों ने ग्रीनविच मीन टाइम में पढ़ा था कि जब सन का डायरेक्ट रेज पड़ता है उस समय न्यून होता है, यानी कि सबसे मैक्सिमम हीट पड़ता है उस समय। तो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे 22 दिसंबर को डायरेक्ट हीट पड़ता है और साउथ पोल उस तरफ टिल्ट होता है सन की तरफ, साउथ पोल यानी कि नीचे वाला इस तरफ ऐसे करके टिल्टेड होता है। तो इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और अगर साउथ पोल टिल्टेड है और नॉर्थ पोल सन से अवे है तो ऑब्वियसली नॉर्थ नॉर्दर्न साइड में हीट कम पड़ेगा, जिसके कारण विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कॉन्टेक्स्ट में लेके उस दिन को हम लोग विंटर सोलस्टिस बोलते हैं, विंटर सोलस्टिस। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सन का डायरेक्ट रेस इक्वेटर पे पड़ता है, जिसके कारण जो पूरे अर्थ पे इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं, और इन दोनों दिन को हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। यानी कि हम लोगों ने 22 दिसंबर को क्या देखा कि ऐसा है अर्थ का पोजिशन, लेकिन अब 21 जून को क्या हो रहा है कि इस तरह से अर्थ जो है सन की तरफ टिल्टेड है, विथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ये टुवर्ड्स द सन टिल्टेड है। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द पोल्स एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डेलाइट फॉर अबाउट 6 months. द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑल अदर कंडीशंस आर रिवर्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोलस्टिक। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी क्या देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे विंटर सोलस्टिक हमने देखा, और यहाँ पे भी सेम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने समर सोलस्टिक देखा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अर्थ है वो सन की तरफ टिल्टेड है, और सन की तरफ टिल्टेड होने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट हीट पड़ रहा है। डायरेक्ट हीट पड़ने के कारण यहाँ पे जो आर्टिक सर्कल के अराउंड जो जगह है वहां पे हर जगह में कंटिन्यूस डेलाइट होता है 6 महीनों के लिए, 6 महीने के लिए वहां पे रात होती ही नहीं है। उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में सारा कंडीशंस उल्टा होता है, यहाँ पे नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, और यहाँ पे अगर समर है तो यहाँ पे विंटर होता है। द पोजिशन ऑफ द अर्थ, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलस्टिक। तो ये सारी बातें हैं अर्थ के रेवोल्यूशन रोटेशन यानी अर्थ के मोशन के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो एक कंप्लीट रिवीजन है आपका एनसीईआरटी चैप्टर 3 का, स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 3 का। आप एक बार एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, इस वीडियो को देखें, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।